होली की परंपराएं और रंगतें अभी भी रंगीन हैं और लगता है कि उनका रंग कभी खत्म नहीं होगा। जी हां, पहले बरसाने की लठमार होली ने हुरियारों पर खूब लठ बरसाया, तो बुधवार को भीलवाड़ा में 200 साल पुरानी रंग तेरस परंपरा में कोडवार होली की रंगत देखने को मिली। जनकर समाज की कोडामार होली का उत्सव चरम पर रहा। इस रिवाज में पुरुष कढ़ाओं में भरा रंग डोलची में लेकर के महिलाओं पर डालते हैं और रंग से बचने के लिए वो पुरुषों पर कोड़ी बरसाती है। होली के 13वें दिन मनाए जाने वाले महापर्व की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। शहर के गुलमंडी सराफा बाजार में खेले जाने वाले रंग के खेल से पहले बड़े कढ़ाओं में रंग खोला जाता है और दूसरी ओर महिलाएं सूती साड़ियों को गूंथ करके कोड़े बनाती हैं। महिलाएं रंग से भरे कढ़ाव को घेर लेती हैं और जैसे ही पुरुष रंग भरी डोलची से महिलाओं पर रंग फेंकते हैं तो महिलाएं उन पर कोड़े बरसाने लगती है। जिस महिला का कढ़ाव पर कब्जा होता है उसे रंग तेरस के खेल में विजेता घोषित किया जाता है। समाज के पूर्व महामंत्री किशोर जिनगर ने बताया कि 200 साल पुरानी रंगत तेरस के परंपरा पर आज भी इसका पूरी तरह से निर्वहन किया जा रहा है। इसका मकसद समाज में एकता और समरसता कायम रखना है। समाज की सदस्य और रंग खेलने आई पवन देवी ने बताया कि कोडामार होली में नवविवाहित जोड़े भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। होली खेलने के बाद में बुजुर्गों से आशीर्वाद देते हैं। खास बात यह भी है कि इस दिन महिलाएं भी इस दिन अपने आप को पुरुषों के बराबर समझती हैं। तमाम जिनगर समाज के लोगों का स्वागत करता हूँ। ये हमारी परंपरा है जिसे हम आज तक निभाते आए हैं। इसका उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि 200 साल पहले भी हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि साल में एक दिवस ऐसा है जब महिला सशक्तिकरण के लिए हम कार्य करें और उस दिन महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम पर अपने आनंद के साथ कोड़े बरसाते हुए एक उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को खेले। पुराना भीलवाड़ा गुलमंडी में, जिसे हमारे समाज का उस समय केंद्र बिंदु माना जाता था, वहाँ से चल रही है और आज तक भी भीलवाड़ा में कई प्रकार के परिवर्तन होने के बाद भी हम आज वहीं पर ही उसी मूल स्तंभ पर श्री रामदेव सांखला मार्केट के सामने अपने इस कार्यक्रम का आयोजन